हेलो हेलो एवरीवन। एक्चुअली आई एम वेयरिंग मयंक साइकिल राइट नाउ एंड दिस माय फर्स्ट गोल्डन मेडल अवार्ड। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड नॉर्मल सूट, डबल ब्रेस्टेड सूट, दैट्स इट। जैसे कि आपको पता है, आपको तो अच्छे से पता है आप कितना कवर करते हैं, स्टार प्लस का शो कर रहे हैं, सो शी कुडंट कम। ऑब्वियसली मैं अकेले आया हूँ और कि मैंने कलर्स का शूट किया था बिग बॉस, तो उसके बाद कलर्स का इसलिए अकेले ही आया हूँ। ऑब्वियसली वैसे भी हम मिलते रहते हैं, लेकिन हाँ आज अच्छा मौका है, फिर से मिलेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ और स्वाभिमान को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं काफ़ी सारे अवार्ड्स भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे शो को मिलेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ब्लैक हमेशा काम करता है और कोई मुझे, मैं कंफ्यूज था क्या पहनूँ, पर लास्ट में, और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है तो मैं हमेशा वही, आपने भी शायद देखा हो, मैं ब्लैक ही कलर ज़्यादा पहनता हूँ। हाँ, मेरी बीवी, मेरी साली दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रही होंगी आई एम श्योर, और वो दोनों परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देयर परफॉर्मेंस। थैंक यू। हाँ, क्योंकि आज वो सारी ज्वेलरी नहीं है, आज मुझे शनि की माता नहीं जूही बनकर आने का मौका मिला है, सो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। एक्चुअली शो में इतनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ कि अब मुझे शायद रियल लाइफ में मिनिमल पहनने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट दिस इज़ मोर कम्फर्टेबल एंड आई एम हियर टू एंजॉय द शो, सो आई थॉट दैट आई शुड बी कम्फर्टेबल इन इट। शनि की कृपा हुई तो जहाँ जहाँ हम नॉमिनेटेड होंगे सभी मिल जाएंगे हमें, बट आई एम रियली हैप्पी दैट आवर शो इज़ डूइंग रियली वेल और लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आई एम श्योर ये शो इतना अच्छा है कि अवार्ड डिजर्व करता ही है। लेट्स सी नाउ हाउ मेनी वी विन। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन, व्हेन योर शो इज नॉमिनेटेड, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इसका बनाओ सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कॉमनर फील्स ग्रेट कि मैं उस फ्लोर पे आया जिस फ्लोर पे आने का मेरा ड्रीम था और शायद हम सभी का होता है, पर मेरा पूरा हो गया। अपनी अपनी कोशिश सब लोग करो। और शी इज़ पीकू, शी इज़ माय फियांस और फीलिंग ग्रेट टू। बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ वॉक करके। मनु के लिए क्या कहूँगी, मैं जब हूँ साथ में हूँ तो
मुझे अभी कोई फिलहाल कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो आप देख रहे हो जो भी है। सिंदूर, आई थिंक लिपस्टिक लगा होगा, मे बी शायद इधर उधर हो गया होगा हाथ। इट्स अ पैटर्न, मतलब एक्चुअली ये जगह को देख के 100% सेफ रहना चाह रही होगी ना, इसलिए साथ भी आई है। अदरवाइज देयर वाज अ टू पास, एक पास में मैनेजर साथ आनी चाहिए थी, पर इसने कहा मैं साथ चलूंगी। सो लाइक दैट। सी आई लव कलर्स, आई लव वियर कलर्स, और कलर्स का अवार्ड है जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया है, सो वी केम फॉर चीयर्स टू ऑल ऑफ देम। अगर ये लोग कुछ देंगे तो मैं भी लूंगा। रीयूनियन से शायद मेरा कोई खास फायदा नहीं हो, क्योंकि मैं यूनियनशिप में बिलीव करता नहीं हूँ, सोलो चल रहा था, तो शायद अगर ये यूनियनशिप होती है तो मेरे लिए कुछ थोड़ा बड़ा नुकसान ही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब चल रहे हैं, इससे पहले जो टीवी पे आए और बिग बॉस में आए उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, काफी एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड। कुछ करने को तो मिल नहीं रहा है, बैठने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ आगे अगर सब आ गए तो बिग बॉस जैसी फील आएगी, और नहीं भी आए तो बुला लेंगे। अच्छा है सब, तो मिलता हूँ यार, मिल चुके हैं पहले हमें ना। क्या 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 काफ़ी स्टाइलिश लग रहा हूँ? कुछ नहीं यार, नॉर्मल गया हूँ एक बाहर सैलून पे, ये करा लिया है और ये बनवाई लिया है, ख़त्म बात। कहीं नहीं गया हूँ, कोई स्टाइलिश नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है, सब ऐसे चल रहा है। डन, थैंक यू, निकलूँ। जैसे आपने बोला बहुत ही कम टाइम में इतने नॉमिनेशन मिले हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, एंड मैं अपनी टीम के साथ जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा हूँ। एंड नॉमिनेशंस हैं, जिन एक्टर्स को हमेशा मैं देखते हैं, आज उनके साथ नॉमिनेशन में आया हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर द शो। होप एक आध तो मिले यार, तो मज़ा आएगा। लुक, इट्स बेसिकली करण ओरिएंटेड। करण जब अवॉर्ड कहीं जाता है तो ही वेयर द सूट एंड ऑल, तो करण के कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा समृद्ध ऐड कर दिया इसमें, एंड या तो एम वेयरिंग अ सूट मे बी। आई वुड लव टू ज्वाइन हर, मुझे मिल जाए एक बार, नैना मैं तो वेट कर रहा हूँ, देख के सीरिए मुझे वो भी नहीं पता है, एंड मुझे मौका मिले मैं चल जाऊँगा, मैं मौका छोड़ता नहीं हूँ डांस करने का। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू।
बॉक्स से बाहर आने के बाद पहला आई थिंक कलर्स का कोई इवेंट में आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक हैपनिंग अवार्ड शो आई।